हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग जो है बहुत ही खास होने वाला है। ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग जो समर्पित है वो है भगवान शिव को। तो आइए शिव के नाम के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये है हमारे गाँव का शिव मंदिर। तो आज हम अपने शिव मंदिर से लेके हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार से हम अपने गाँव की पहली डाक कावर लेकर आएंगे। तो जो भी लोग हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मिला देता हूँ हमारी पूरी टीम से जो हमारे साथ हरिद्वार जा रही है। तो हमारे साथ जा रहे हैं अंकुश है, अभिषेक, आदित्य, रोमिश, दिव्यांशु, यश, शिवम, शगुन, शुभम, अभय, नितिन, मोनू, अनुराग, अगम, निगम, सौरभ, रोहित, सौमित, अनुज और लास्ट में आते हैं हम। तो दोस्तों, ये पहली बार था जब हमारे गांव से डाक कावर लेने हम लोग जा रहे थे। तो सभी लोग ना काफ़ी उत्साहित थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये है हमारी डाक कावर का बैनर जो कि काफ़ी लेट हो गया था। हम शहर से लेके आए थे इसको, जो बनवाया था हमने, तो ये गांव से बाहर निकल के हमने इसको सेट किया था। तो ये है हमारी पूरी टीम। महादेव के जयकारों के साथ हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर देखिए, आज मौसम ना काफ़ी सुहावना था। धूप ना निकलने से मौसम काफ़ी अच्छा था, ट्रैवल के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो ऐसे ही कहीं रुकते चलते हुए रुकते रहे बीच बीच में, तो ऐसे ही हमारा समय चलता रहा। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक बार वो लोग भी देख लें जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन्होंने बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया हुआ है तो एक बार वो बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें। तो देखिए, जैसे कि हमारे दोस्त सभी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, उसी हिसाब से मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लोगों को डाक कावर लाते हुए देखा था और हमारा भी जैसे फर्स्ट टाइम था डाक कावर लाने का, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था मैं भी। तो दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बिजनौर ज़िले के नहटौर शहर में और यहां से हरिद्वार रह जाता है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक बटन पर क्लिक कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। डीजे पर मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, भगवान शिव के गाने सुनते हुए हम पहुंच जाते हैं कोतवाली शहर में। अरे, ये वो वाला कोतवाली नहीं है जो पुलिस वाली कोतवाली होती है, इस शहर का नाम ही कोतवाली है। ये बिजनौर ज़िले का ही एक शहर है।
कोतवाली साइड से थोड़ा सा आगे निकलकर हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे थोड़ा आगे चल के और कि बारिश हो सकती है। तो डीजे वाला क्या करता है, डीजे वाला अपने डीजे को चारों तरफ से पन्नी से कवर कर लेता है। और वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीधा नजीबाबाद। तो वहाँ जाकर हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। और यहाँ से ना हरिद्वार की दूरी रह जाती है मात्र 50 किलोमीटर। तो बारिश क्या होती है, बारिश कहीं पर तेज होती है, कहीं पर धीरे होती है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके बिना रुके ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपका परिचय करा देते हैं हमारे गुरुजी सगुन से। ये हैं हमारे गुरुदेव सगुन, जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इनके चैनल का नाम है ग्रोवर क्लासेस। तो दोस्तों, जो सावन का माह होता है ना, इसमें जितने भी सोमवार आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सैटरडे संडे और मंडे के दोपहर तक का जो है ट्रैफिक जो है वो बंद करे रहती है। बंद का मतलब है कि जो हैवी व्हीकल होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हुए, इनको वो बंद कर देती है। तो ये साइड से खड़े हो जाते हैं। जो फोर वे होते हैं उसमें टू वे मतलब नॉर्मल व्हीकल के लिए वो खुला रह जाता है, और एक साइड जो होती है उसमें वो कामर वालों के लिए मतलब एक तरह से कह लो कि कामर के लिए वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि उस पर कोई भी व्हीकल नहीं चलता है। और जहाँ पर सिंगल होता है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो पुलिस वगैरह खड़े करके ट्रैफिक को क्लियर करते रहते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से ना और नजीबाबाद के बीच में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और यहाँ पर जाम की दिक्कत आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हरिद्वार के आसपास में ना रोड इतनी कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ट्रैफिक का देखिए आप हाल सामने देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। जो आज का दिन है ना वो रविवार है, तो आज काफ़ी हमने जो है डार्क कावड़ जाती हुई देखी हैं। और जितना ना हम हरिद्वार के पास चलते चले जा रहे हैं, उतने ही हमें शिव भक्त आते और जाते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। काफ़ी संख्या है शिव भक्तों की यहाँ पर। देखिए, आप लोग कुछ भी कहें, पर जो हरिद्वार से कांवड़ लाने का जो एक अपना अलग ही मज़ा होता है, जो भक्ति भाव हमें मतलब हरिद्वार से कांवड़ लाते हुए होता है ना, एक अलग ही तरह का उसमें नशा होता है। अरे वो नशे की बात नहीं कर रहा मैं जो स्मोकिंग वगैरह या किसी और चीज़ों से मिलता है, बट जब कांवर लेके आते हैं ना हम हरिद्वार से, चाहे वो मतलब ये सावन की कांवर हो या फिर वो फरवरी मार्च में जो आती है वो वाली कांवर हो, बस एक उसका अपना ही अलग ही मज़ा आता है। दोस्तों, अब हम हरिद्वार के बिल्कुल पास में हैं। ये माता रानी की तस्वीर जो है, ये जो बहुत बड़ी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, तो ये हरिद्वार के बिल्कुल जस्ट पास में है। यहाँ से हरिद्वार 6 से 7 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। पर देखिए, आप ये सामने देख रहे हो कि जाम की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हमारे पास बाइक ना हो तो हम 4 से 5 घंटे का कम से कम ये जाम लगा हुआ है, जो हरिद्वार के काफ़ी पहले से है। तो आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ बिल्कुल रेंग रेंग के चल रही हैं। हमारे पास बाइक है तो हम साइड से निकले चले जा रहे हैं। ये हम अपनी बाइक का हॉर्न बजा के फिर हम एकदम भीड़ के बीच से जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो कुछ ही दूर चलने के बाद हमें जाम हल्का हल्का खुलता हुआ दिखाई दे जाता है। बट हम जो बाइक पे थे ना,
तो हमें इस वजह से ऐसा लग रहा था कि जाम खुल गया है, बट गाड़ियाँ जिस हिसाब से रेंग रेंग के चल रही थी ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि जाम खुला होगा थोड़ा बहुत भी, क्योंकि गाड़ियों को काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि बाइक वाले बीच से निकल निकल के आगे जाके थोड़ा थोड़ा जाम लगाते चले जा रहे थे। जैसे कि आप हमें ही देख लो, हम किसी भी गाड़ी के आगे से निकल के चले जाते हैं तो गाड़ी वाले को तो रुकना पड़ता है ना, तो यही हाल था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पहुँच जाते हैं चंडी पुल पर। चंडी पुल पर आने के बाद हमें जाम की स्थिति थोड़ी खुलती खुलती सी नज़र आने लगी है। देखिए यहाँ से ये सामने से एक गंगा जो क्रॉस कर रही है, गंगा नदी, तो देखिए कितना अच्छा शानदार सा व्यू हमको नज़र आ रहा है कि पानी के ऊपर जो भाप उठ रही है और वो भी एक लिमिट तक ऊपर उठी हुई है। तो देखिए कितना अच्छा शानदार सा नज़ारा आपके सामने बना हुआ है। बस मैं इसे ना वर्डों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो दोस्तों फाइनली हम हैं हरिद्वार शहर में। तो देखिए आप सामने देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव हरिद्वार, जो कि लगाया हुआ है नगर निगम के द्वारा। ये नीचे उन्होंने लिख भी दिया है नगर निगम। तो आइए चलते हैं हम सब घाट की तरफ चलते हैं। तो देखिए शाम के समय में घाट पर कितना सुंदर नज़ारा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और सामने जो पहाड़ी है उस पर है माँ मनसा देवी का मंदिर। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने के बाद हम अपना खाना वगैरह खा लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही रात शुरू हो जाती है हम तैयारी शुरू कर देते हैं अपने कांवर की। और रात में आप देख लीजिए यहाँ पर भी रात में कितना सुंदर नज़ारा है गंगा के घाट पे। तो मौसम तो वैसे भी यहाँ पर बारिश का हो ही रहा था और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश जो है हल्की हल्की शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, स्नान करने के बाद हम तैयारी करते हैं कांवर में जल भरने की महादेव के जयकारों के साथ। तो देखिए कांवर के साथ फिलहाल है हम माँ चंडी पुल पर और देखिए हवा और बारिश दोनों ही काफ़ी तेज़ है, फिर भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से
हम कांवड़ लेकर अब हरिद्वार से गाँव की तरफ अपने चल पड़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने शुरू में मतलब चलने से पहले हमने एक दूसरे को सभी का सीक्वेंस बता दिया था कि किसके बाद किसका नंबर आएगा, बट थोड़ी दूर चल गई, थोड़ी दूर क्या मतलब स्टार्टिंग में ही सब कोई किसी को भूल जाता है, बीच में छोड़ देता है, पर लगातार कोई ना कोई ऐसे ही कंटिन्यू कांवड़ लेकर चलता रहा। पर सीक्वेंस भूलने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, कभी किसी का नंबर आता है और किसी का दो दो बार आ जाता है। तो फिर हमने क्या है, बाद में हमने एक सीक्वेंस बनाया और उसको दो तीन बार फॉलो कराने के बाद तब सबको अपना अपना नंबर याद रहा। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे भोले ना काफ़ी मेहनत करते हुए, इतनी बारिश और तेज़ हवा के बीच में काफ़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ ना कंटिन्यू 5 से 6 घंटे बारिश होते हुए हो चुके थे और फिर भी भोले काफ़ी मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। बारिश अभी भी नजीबाबाद हमने क्रॉस कर लिया था और फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो कोतवाली के पास आकर ना लगभग बारिश बहुत धीमे हो जाती है, सिर्फ फुसार हल्की हल्की बारिश जो है वो होती हुई दिखाई देती है हमें, बारिश बहुत कम हो जाती है। और देखिए ना, आप हाथ देखिए हमारे बारिश में कंटिन्यू भीजने से देखो कैसे हो गए थे, और सेम कंडीशन पाँव की थी, पाँव भी ऐसे ही हो चुके थे। थोड़ी दूर चलकर क्या है कि बारिश का माहौल थोड़ा कम हो जाता है, कम क्या लगभग बंद सी हो जाती है, और हमारी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, और सब मस्ती करते हुए ना सब आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ना जिसने लाइक नहीं किया अभी भी वो लाइक कर दे, और कमेंट में महादेव हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए, हमारी 20 लोगों की टीम ने ना सबने बिल्कुल मिलकर पूरी एकदम जितनी मेहनत जिससे हो सकती थी उतनी उसने की है। भगवान ये सब जो हुआ है, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही। तो जितनी जर्नी हमारी रही एकदम बढ़िया रही, एकदम फर्स्ट क्लास रही सिर्फ भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही कर दें क्योंकि आज की वीडियो है बहुत खास। तो दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद देखिए आप सब पर बना रहेगा।
तो भोले बाबा के आशीर्वाद से हम पहुंच चुके हैं अपने गांव धनानंगला में और यहां आकर हमने अपने शिव मंदिर पर भोलेनाथ को जल अर्पण कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।